नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। राम मंदिर का मुद्दा इन दिनों काफी गरमाया हुआ है, जहां एक तरफ तमाम हिंदू संगठन राम मंदिर निर्माण के लिए सरकार को विधेयक लाने के लिए दबाव बना रहे हैं, तो वहीं सरकार की ओर से इस मुद्दे पर कोई भी ठोस प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। साथ ही हाल ही में विश्व हिंदू परिषद समेत तमाम हिंदू संगठनों ने अयोध्या में एक बड़ी धर्मसभा का आयोजन किया, जिसमें 2 लाख लोगों के आने की संभावना जताई जा रही थी। लेकिन इस धर्मसभा में कितने लोगों की भीड़ उमड़ी, ये तो आपको बाद में बताएंगे, मगर इससे पहले आपको इस धर्मसभा को लेकर वायरल होने वाली 4 तस्वीरें दिखाना चाहते हैं, जो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। और इन तस्वीरों के बारे में दावा किया जा रहा है कि ये तस्वीरें अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद की हुई धर्मसभा की हैं, और इन तस्वीरों को सूर्यनारायण बजरंग दल के नाम के एक फेसबुक पेज पर शेयर किया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि भगवा रंग के झंडे के साथ लोग भगवा कपड़े पहने बड़ी तादाद में दिख रहे हैं। साथ ही इन तस्वीरों को पोस्ट करते समय लिखा है कि राम मंदिर के निर्माण को लेकर दबाव बनाने के लिए रविवार को VHP की बड़ी धर्मसभा में पहुंचे साधु संत और हिंदू कार्यकर्ताओं से अयोध्या की सड़कें भर गईं। इसके अलावा इन तस्वीरों को BJP के सांसद प्रताप सिम्हा ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। साथ ही लिखा है कि कैप्शन की कोई जरूरत नहीं है, यानी कि सांसद साहब के हिसाब से तस्वीर में देखकर ही पता चल रहा है कि काफी भीड़ है। इस पोस्ट को कई लोगों ने लाइक और रीट्वीट किया है। जब हमने इन तस्वीरों को देखा तो सबसे पहले हमारे दिमाग में BBC की छपी एक हाल ही की खबर ध्यान में आई, जिसमें अयोध्या में हुई विश्व हिंदू परिषद की धर्मसभा का जिक्र है। खबर में लिखा था कि धर्मसभा में ना BHP दावे के मुताबिक 2 लाख लोग इकट्ठे कर पाई और ना ही वो BJP के हिंदू विधानसभा क्षेत्र में कोई नया संदेश दे पाई। यानी कि तस्वीरों को देखकर तो ऐसा लगता है कि इसमें लाखों की तादाद में भीड़ हो, लेकिन BBC की खबर पर नज़र डाली जाए तो इन तस्वीरों पर कतई भी यकीन नहीं हो रहा है। फिर हमने इसकी आगे पड़ताल शुरू की। सबसे पहले हमने गूगल पर रिवर्स इमेज की एक वेबसाइट पर तस्वीर को अपलोड किया, तो पता चला कि ये तस्वीर मुंबई में हुए मराठा क्रांति मोर्चा आंदोलन की है, जो साल 2016 में हुआ था। अब आप सोच रहे होंगे ये रिवर्स इमेज क्या है। दरअसल ये एक वेबसाइट है जिसमें किसी भी तस्वीर को अपलोड करने पर पता चल जाता है कि ये तस्वीर कहाँ की है, लेकिन इसके लिए भी अहम है कि वो तस्वीर कभी गूगल पर यूज की हो। फिर हमने आगे और पड़ताल की तो ये तस्वीर एक्टर रितेश देशमुख के ट्विटर हैंडल पर मिली। उन्होंने एक कैप्शन भी लिखा जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र में मराठा क्रांति मोर्चा के आंदोलन का ही जिक्र किया है। इसलिए हमारी पड़ताल में तस्वीर तो ठीक निकली, लेकिन तस्वीरों को अयोध्या की धर्मसभा के बताने वाले दावे एकदम फर्जी साबित हुए। वीके न्यूज़ की मुहिम फाइट अगेंस्ट फेक न्यूज़ जारी है। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई तस्वीर या पोस्ट है जिसकी सच्चाई पर आपको शक है, तो उसे हमारे साथ साझा करें, हम उसकी पड़ताल करके सच्चाई आप तक पहुंचाएंगे। ऐसी तमाम तरह की अच्छी और सच्ची खबरों का अपडेट तुरंत पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़। शुक्रिया।